तो सरकार के कुछ ऐसी मोनोपोल चल रही है आजकल, समझदार तो सभी है, अनपढ़ है, सिर्फ सफाई करे बाकी गर्दन ना उठाए। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का एक वरदान मिला हुआ है जो कि हम एकत्रित होकर संगठित होके हमारी लड़ाई शासन से है, सरकार से सीधा, हमारे नगर निगम पदाधिकारी कर्मचारी से कोई नहीं है। हमारे महासंघ जो है लड़ाई लड़ रहा है सरकार से, पूरे प्रदेश में हमारी हड़ताल चल रही है, 11 मांगों पे हमारी हड़ताल है। 11 मांगों में सबसे फर्स्ट मांग है हमारी ठेके पर तो भंग की जाए, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी लगे हैं उनको समिति में किया जाए, जो समिति में कार्य कर रहे हैं 15-20 साल से उनको नियमित किया जाए, और जो कर्मचारी हमारे परमानेंट कर्मचारी हैं, निस्थायी कर्मचारी हैं, उनकी वरिष्ठता के आधार पर उनका पर्यवेक्षक का रूप परमानेंट हवलदार बनाया जाए, पदोन्नति की जाए। उसके बाद अगर उनको वरिष्ठता भी है तो उन लोगों को SI का दर्जा दिया जाए, मालिकाना हक दिया जाए, हमारे वाल्मीकि समाज को जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, जो भूमिहीन है हमारे वाल्मीकि समाज के लोग उनको भूमिहीन पट्टा दिया जाए, जाति प्रमाण पत्र दिया जाए, मूल निवास प्रमाण पत्र दिए जाए, और पर्यावरण में पुरानी पेंशन बहाल की जाए, पर्यावरण मित्र का नाम बदल के इनको पर्यावरण सैनिक रखा जाए इनका नाम। ये हमारी 11 मांगे हैं, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती इस प्रशासन से, हम लोग अपने धरना प्रदर्शन पर करते ही रहेंगे। जैसा हमारा महासंघ उसको आदेश करेगा हम वैसा ही काम करेंगे उसके बारे में। उनके आदेश का पालन करेंगे।